राज भाई वार्ड में बैठ चुके हैं। गाड़ी लॉक हो गई यार भैया। अगेन विथ यू न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज का ये जो ब्लॉग है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज के ब्लॉग के अंदर अपन करने वाले हैं राज भाई की प्री वेडिंग शूट। थोड़े दिनों से अपन लोग डिसाइड कर रहे थे कि किधर शूट करना है किधर नहीं। अभी उदयपुर का प्लान हो रहा था तो कभी जैसलमेर का, तो ऐसा कुछ प्लान हो रहा था। फाइनली डिसाइड किया अपन लोग जयपुर जाएंगे शूट के लिए, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है और 2 से 3 दिन लगेंगे अपने को। तो आज फाइनली डिसाइड हुआ कि अपन लोग जो है शाम को निकलेंगे जयपुर के लिए। एक थोड़ी सी स्क्रिप्ट वगैरह है तो वो चीज थोड़ा दिमाग में है, तो देखते हैं उस चीज को भी अपन ट्राई करेंगे शूट के अंदर। तो कौन जा रहा है कौन नहीं सब कुछ आगे ही आप लोगों को पता पड़ेगा। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। जलमेल वगैरह आमेर फोर्ट ये सब कुछ देख रखा अपन लोगों ने, तो अपन ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे बट ब्लॉग करेंगे देन चिल करेंगे। तो लेट्स सी, चलते हैं देखते। ना हम लोग निकले थे रात को मतलब 10 बजे, मतलब 4 बजने वाली है मॉर्निंग की। थोड़ा सा अपन लोग घूम घूम गए आए, बिकॉज अब लोग थोड़ा रास्ता भटक रहे थे, देन होटल्स वगैरह मिल नहीं रही थी इस तरफ। ये जो रूम है ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल से मिला, मतलब जैसा भी मिला बहुत ही ज्यादा बस सोना अपने को। हेयर मेकअप आर्टिस्ट है सीधा मॉर्निंग में बात करते हैं, बिकॉज अभी अपन लोगों को कुछ भी करने का मन नहीं है, सीधा सोने का मन है। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। अभी जो है अपना जो प्रीवेडिंग शूट करने वाला है कैमरामैन, कैमरा वाला भाई जो है अपने जयपुर से थोड़ा पीछे, मतलब उन्होंने भी रूम वूम ले रखा है। अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ बिकॉज मीटिंग हुई नहीं हम लोगों की, कैसे क्या शूट करना वगैरह रहेगा ये सब कुछ पता नहीं क्या देख रही है अपन लोग जाएंगे उनके पास में, देन सारी स्क्रिप्ट उनको बताएंगे कि कैसे क्या शूट करना है। नींद अभी भी प्रॉपरली पूरी हुई नहीं है बिकॉज अपन लोग आए थे यहाँ पे 4 बजे। दूल्हे राजा आ चुके हैं आई थिंक। हम लोग यहाँ पे ही रात की 3-4 बजे भटक रहे थे, होटल से चेकआउट किया उसके बाद में अपन लोग यहाँ पे आए। गाड़ी की हालत देखो मतलब गंदी हो चुकी है। तो जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेंड पार्क जो कि काफी ज्यादा बड़ा है, बहुत ही काफी अच्छा व्यू है। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो अभी चल रहे अपन साथ में हो रहा है, देन फिर देखते हैं बात करते हैं कैसे क्या रहता है स्क्रिप्ट वगैरह, कहीं पे बैठते हैं देन डिस्कस करते हैं कि कैसा क्या शूट करना है, बिकॉज अपने को स्टोरी भी लिखनी है। कैमरामैन जो है अपने पूरा कंफ्यूज हो चुके हैं राज भाई की स्क्रिप्ट सुनते हुए, अभी कंफ्यूजन है। अभी अपने को यहाँ पे एक रूम लेना पड़ेगा। तो सारा सीन जो है चौपट हो चुका है, आज शूट करने का था बट हुआ नहीं। तो यहाँ पे अपन ने एक होटल लिया, मतलब बिकॉज घूम घूम के परेशान हो चुके हैं, मतलब जयपुर से हम लोग दूर है मतलब 9 से 10 किलोमीटर, तो अपन लोगों ने ये रूम लिया। तो रूम भी काफी ज्यादा अच्छा है, आई थिंक बॉम व्यू। यस, अपनी भाई बहन फादर फादर सोच रहे हो यहाँ पे कुछ शादी वगैरह है बट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ लोग डिनर करने के लिए आते हैं, देखते हैं कि कैसा क्या खाना रहता है। राज भाई रेडी, आई थिंक बीच का शॉट था ये बट हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, तो सारा काम है जो जल्दी में हो रहा है अभी, बिकॉज कल तो जो है अपना दिन खराब हो चुका था। आर यू एक्साइटेड? अच्छे रिएक्शन देना जिससे कि पब्लिक को देख के भी मजा आवे। काफी टाइम हो गया हम लोगों ने शूट किया था साथ में, सॉन्ग्स वगैरह वो सब कुछ राज भाई के ऊपर है देन इनके पार्टनर के ऊपर। यहाँ पे है रूम का चेकआउट, तो चेकआउट करना पड़ेगा। रुमाल डाल दिया रुमाल। तो अभी अपन यहाँ से निकलते हैं, देखते फिर क्या सीन रहता। आई थिंक बहुत ज्यादा लपड़ा हुआ था ये शूट कल हो जाता बट हुआ नहीं। आज थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ अच्छे से नींद हो पाई अपनी, क्योंकि हम लोग जल्दी सो गए थे। बहुत ज्यादा मेहनत करनी है अभी तक, तो 2 दिन तक।
ये है डीओपी, यहाँ पे सारे सेट है, मेरे को ऐसा लग रहा है। डायरेक्शन और पिक्चर यहाँ पे कैसा क्या सूट रहता है कुछ भी आइडिया नहीं है, और गाड़ी की हालत देखो मतलब पूरी खराब होती है। तो यहाँ पे अपन लोग शूट करने वाले हैं, इनको चेक तो करता हूँ कि अंदर क्या है, या ऐसे ही है, चेक करता हूँ। ओ लोकेशन गाइस, ओ भाई ये कहाँ है भैया, बिल्कुल नॉर्मल है ये तो भाई। हाँ जी लोकेशन ही लोकेशन, हाँ ये थोड़ी सही है। हाँ भैया फर्जी महल है ये तो भाई। ये है आज की कुछ लोकेशन, सही है ब्रो। ये है लोकेशन, यहाँ पे होगा पूरा शूट, जैसे कि तुम सेट दे सकते हो। ओ भाई ये तो बिल्कुल ही नकल है यार, रेडी चल रहे अब सेट की तरफ। सेट मैंने आपको दिखाया उस तरफ, ना रोज डे पर बोझ डे। अच्छा तो एक सेट सामने की तरफ है, वहाँ पे शूट स्टार्ट हुआ है, छोटा सा लेक वेक बना रखा है, यहाँ पे भी शूट कर सकते हैं अपन लोग। आई थिंक गाड़ी वाड़ी भी खड़ी है, डंपिंग यार्ड की तरह है लेकिन डंपिंग यार्ड नहीं है। तो खड़ा राज भैया साहब, यहाँ पे ड्रोन शॉट लिया जा रहा है। वोट में बैठ चुके हैं, यहाँ पे शूट चल रहा है, जाओ। तो भैया अभी अपन बैठ रहे हैं नकली गाड़ी में, अभी अपन ओ भाई अंडे पड़े चिड़िया के, बाहर आओ भाई वापस बाहर आओ। गाड़ी लॉक हो गई यार भैया, तो इस गाड़ी में नहीं करेंगे अपन। वहां पर और प्री वेडिंग शूट चल रहा है।